मैंने सोचा आज एक एक करके जो मेन क्वेश्चंस है, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, वो क्वेश्चंस का जवाब मैं आज दूँ इस वीडियो में। तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन अबाउट द न्यू टाटा सफारी। सबसे कॉमन सवाल मुझे इस गाड़ी के बारे में पूछा जाता है, वो इसकी माइलेज के बारे में। तो देखिए, अगर मैं सिटी में इस गाड़ी को चलाता हूँ, ठीक है, सिटी ऑटो मोड में, जो इसकी डिफ़ॉल्ट मोड है, तो मुझे हार्डकोर ट्रैफिक में, जहाँ पे 20-30 की स्पीड में हम चलाते हैं, वैसे टाइप के ट्रैफिक में मुझे 9.5 से 10 के बीच में मुझे माइलेज मिला है, कभी कभी मुझे 9 भी मिला है। और जैसे ही मैं इको मोड पे चलाता हूँ सिटी ट्रैफिक में, तभी मुझे 11 से 12 भी मिला है। जी हाँ, इस गाड़ी में अगर आप इको मोड पे चलाते हैं तो आपका माइलेज ऑलमोस्ट 2 से 2.5 किलोमीटर बढ़ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है सिटी में अगर आप 20-30 की स्पीड में चला रहे हैं तो आप इको मोड यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा थोड़ा सा पिकअप कम होता है, पर आप 20-30 के स्पीड में क्या ही भगाएंगे गाड़ी, राइट? तो इको मोड पे आप सिटी में ट्रैफिक में इस गाड़ी को चला सकते हैं और इसका माइलेज का बेनिफिट ले सकते हैं, 2 किलोमीटर ज़्यादा मिलेगा आपको। हाईवे पे जब मैं हैदराबाद से मुंबई आ रहा था, उस समय मैंने इसका माइलेज मेजर किया था, उस टाइम पे मुझे 14 से 15 का एवरेज मिला था सिटी ऑटो मोड में। हाईवे पे अब मैंने इको मोड पे तो चलाया नहीं है, क्योंकि यू नो हाईवे पे मैं अपना पिकअप क्यों कम करूँगा, तो इको मोड पे तो मैंने चलाया नहीं, लेकिन नॉर्मल सिटी ऑटो मोड में मुझे 14 से 15 मिल गई थी हाईवे पे। तो ये गाड़ी मुझे नहीं लगता कि 18-20 देने वाली गाड़ी है, अभी तक तो मुझे नहीं मिली है वैसा एवरेज, लेकिन आपको 15 मिल जाएगी और सिटी में 10 एवरेज पकड़ के चलिए, वो आपको मिल जाएगी इस गाड़ी में। दोस्तों, मुझे बहुत लोगों ने ये भी पूछा कि टाटा की सर्विस कैसी है, टाटा का सर्विस बहुत ख़राब है, ऐसा हमने सुना था। तो देखिए, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप लग्जरी ब्रांड्स को छोड़ देंगे, मर्सिडीज़, ऑडी और वो सारे ब्रांड्स को अगर आप छोड़ देंगे, और अगर आप सिर्फ कंपेयर करेंगे टाटा, फोर्ड, हुंडई, मारुति, एमजी, इन ब्रांड्स को, तो सर्विस एक्सपीरियंस जो है ना, वो हिट एंड मिस होती है। ओके, आपके जो लोकल जो डीलर है, जो लोकल सर्विस सेंटर है, वहाँ पे कैसे लोग काम करते हैं, कैसे चलाया जाता है सर्विस सेंटर, उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो ऐसा कोई हम ब्लैंकेट नहीं बोल सकते कि हाँ पूरा का पूरा हर सर्विस सेंटर का सर्विस ख़राब है, ऐसा नहीं होता। अब मैंने जिस सर्विस सेंटर में इस गाड़ी की सर्विसिंग कराई है, वहाँ के मुझे कुछ इंजीनियर्स बहुत ही अच्छे लगे। इनफैक्ट एक बंदा था, वो काफ़ी अच्छी तरीके से मुझे एक्सप्लेन कर रहा था इस गाड़ी के बारे में, काफ़ी अच्छा नॉलेज भी था। पर उसी सर्विस सेंटर में मैंने एक और बंदा भी देखा जिसको कुछ पता नहीं था और थोड़ा सा वो क्लूलेस था। तो अब ऐसे लोग हर जगह पर रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि टाटा के ऊपर आई थिंक लोग कुछ ज़्यादा ही हार्श हो गए थे 4-5 साल पहले। मैं मानता हूँ थोड़ा सा एक जनरली उनका सर्विस ख़राब हुआ करता था, बट अभी मुझे लगता है टाटा ने काफ़ी काम किया है इस एरिया पे। तो जैसा नॉर्मल सर्विस सेंटर होता है, वैसे ही लोग लगे, वैसा ही काम होता है। यू नो, घर पे पिकअप एंड ड्रॉप मिलता है, आपको बता दिया जाता है कि क्या एक्सपेंसेस होंगे। मेरा जो TPMS एरर था, वो जब तक सॉल्व नहीं हुआ, उन्होंने बहुत ध्यान से मुझे फॉलोअप किया और अच्छे तरीके से रखा। तो सर्विस के मामले में मुझे नहीं लगता कि गाड़ी का परचेज डिसीजन हमें चेंज करना चाहिए, सर्विस आई डोंट थिंक इतनी बड़ी रीज़न है कि ये गाड़ी ना लें आप। एक और सवाल पूछा गया था कि मुझे एक की मिला था कि दो। तो दरअसल मैंने जब ये गाड़ी की डिलीवरी ली थी, वो मार्च का महीना था, उस टाइम पे मुझे 2 चाबियाँ मिल गई थी। लेकिन आजकल जो मुझे सुनने को मिल रहा है, टाटा के पास सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज चल रही है अभी, तो वो लोग बहुत सारे कस्टमर्स को सिर्फ एक ही की दे रहे हैं और दूसरी की वो बाद में 2-4 महीने बाद देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। पर कमेंट्स में मुझे एक दो लोगों ने ये भी लिखा है कि उनको बोला गया है कि सिर्फ एक ही की मिलेगी, दूसरी चाबी मिलेगी ही नहीं। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ऑफिशियली टाटा ने, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, टाटा ने बोल के रखा है कि 2-4 महीने में दूसरी की दे दी जाएगी। तो टाटा ने ऐसा नहीं कहा है कि सिर्फ इस गाड़ी में एक ही चाबी आपको मिलेगी। पर यू नो, एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, देखिए सफारी जो है वो टाटा की सबसे महंगी गाड़ी है, सबसे महंगी प्रोडक्ट है, राइट? तो अपने सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के कस्टमर्स को थोड़ा सा टाटा को प्रायोरिटाइजेशन देना चाहिए था कीज़ के लिए। एक और सवाल मुझे बहुत लोग पूछते हैं इसकी स्टीयरिंग फीडबैक के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस गाड़ी की है हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, ठीक है, ये पावर स्टीयरिंग नहीं है इसमें। तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस भी वैसी रखनी पड़ेंगी। तो जाहिर सी बात है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है तो पावर स्टीयरिंग जितनी स्मूथ, जितनी रिस्पॉन्सिव नहीं है।
60 किलोमीटर्स की स्पीड तक इस गाड़ी की जो स्टीयरिंग रिस्पांस है वो थोड़ी सी आपको हार्ड लगेगी। 60 जैसे ही आप क्रॉस करोगे थोड़ा सा ये गाड़ी की जो स्टीयरिंग रिस्पांस है वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव होने लगेगी, थोड़ी सी स्मूथ होने लगेगी। ओके तो ये इसका नॉर्मल बिहेवियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़ा सा पार्किंग करते वक्त और स्लो स्पीड्स में आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, एस्पेशली मैं इको स्पोर्ट चलाता था इससे पहले, तो मुझे तो थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगा इसकी स्टीयरिंग व्हील। मैं इको स्पोर्ट में दो उंगलियों से स्टीयरिंग घुमाता था, यहाँ पे मैंने पहले स्टार्टिंग में कोशिश की दो उंगलियों से घुमाने के लिए और मेरी उंगलियाँ दुखने लगी थी थोड़ी बहुत, तो वो एडजस्ट होने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था इस गाड़ी में, लेकिन जैसे ही मैं एडजस्ट हो गया अब मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं लग रहा। इनफैक्ट 60 के ऊपर ये गाड़ी की जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है वो आपको ऑलमोस्ट पावर स्टीयरिंग जैसी ही लगेगी, क्योंकि ये उतना रिस्पॉन्सिव हो जाता है हाई स्पीड्स में। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ इसकी जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है गाड़ी कंट्रोल में रहेगी आपकी। मुझे ये भी पूछा गया है कि सिरेमिक कोटिंग की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कैसी है 2-3 हफ्ते के बाद। तो देखिए सिरेमिक कोटिंग जिस दिन मैंने कराया था उस दिन तो मैं तो आई वॉज लिटरली लाइक मैड अबाउट द आउटकम, बहुत अच्छा लगा था मुझे, पर 2-4 हफ्ते बाद मुझे लगा वो ओके है, आई मीन ऐसा कुछ ख़राब तो नहीं है, जाहिर सी बात है अच्छा ही लग रहा है गाड़ी। पर आज लगभग मुझे कुछ 1.5-2 महीने हो चुके हैं सिरेमिक कोटिंग करा के, अब जब मैं ये गाड़ी को देखता हूँ तो आई थिंक गाड़ी अच्छी तो लग रही है पर वो जो day 1 में मुझे लगी थी वैसी नहीं लग रही है। तो सिरेमिक कोटिंग मुझे लगता है थोड़ी सी, अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ा रियलिस्टिक रखेंगे सिरेमिक कोटिंग को लेके तो आप सेटिस्फाइड रहेंगे, लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यू नो सालों साल तक गाड़ी वो वैसी दिखेगी जैसी आपके यू नो फर्स्ट डे पे दिखी थी, तो वैसा मुझे लगता है नहीं होने वाला। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि सिरेमिक कोटिंग थोड़ा सा ओवररेटेड है, और सिरेमिक कोटिंग में मेरे को एक्चुअली एक और बात भी बोलना है कि देखिए यू नो टाटा ने इनिशिएटिव लिया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन एक्चुअली सिरेमिक कोटिंग जब की जाती है ना तो पूरा डस्ट प्रूफ कमरे में की जाती है, बहुत सारे यू नो फैक्टर्स होते हैं सिरेमिक कोटिंग को करने के लिए। तो यू नो मेरी गाड़ी की जब हुई थी तो वो सब चीज़ें फॉलो नहीं की गई थी, एक नॉर्मल सर्विस सेंटर में की गई थी। तो यू नो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि टाटा का इंटेंशन तो अच्छा था पर यू नो जिन वेंडर्स को उन्होंने करने के लिए दिया हो सकता है वो उतनी सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अगेन ये सिर्फ मेरा एक ओपिनियन है, आप लोग में भी कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप लोग को क्या लगता है। बट ओवरऑल मैं अगर बोलूँ सिरेमिक कोटिंग से देखिए गाड़ी का कुछ नुकसान तो होता नहीं है, फ़ायदा ही होता है, गाड़ी पहले से तो बेटर लग रही है, ये बात तो मैं आपको कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखनी चाहिए सिरेमिक कोटिंग के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, गाड़ी की फिट और फिनिश कैसी है। तो देखिए अगर आप मुझे बोलेंगे 5-7 साल पहले अगर यू नो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं टाटा की गाड़ी खरीदूंगा, तो जब से जैगुआर लैंड रोवर को एक्वायर किया है टाटा ने तब से लेकर मैंने ऑब्जर्व किया है टाटा के जो नए मॉडल्स निकल रहे हैं और उनकी जो बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग जो है उसमें जो थोड़ा सा वो यू नो पॉलिशनेस नहीं था बहुत पहले वो टाटा ने अभी फिक्स कर दिया है। तो अगर आप इस गाड़ी की फिट एंड फिनिश मुझसे पूछे तो छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखा गया है, फिनिशिंग मुझे बहुत अच्छी लगी गाड़ी में, कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये किसी और ब्रांड से या किसी और सेम सेगमेंट की गाड़ी से कम है, इनफैक्ट मुझे बेटर ही लगी। पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। इस गाड़ी का जो नंबर प्लेट है ना उसमें से थोड़ा सा आवाज़ आ रहा था, मुझे थोड़ी सी पैकिंग करनी पड़ी थी, तो वो अभी मुझे पता नहीं बाकी ओनर्स भी फेस कर रहे हैं कि नहीं, तो वो एक छोटी सी चीज़ है जो गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सा आवाज़ आता था, हालाँकि मैंने अभी वो फिक्स कर दिया है, पर ये एक चीज़ तो था। दूसरा आगे यू नो अगर ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो ऊपर से थोड़ा सा नॉइज़ आता है, मतलब उतना अनोइंग नहीं है पर थोड़ा सा आता तो है, और जब बहुत ज़्यादा अगर आप खड्डों पे जाते हो ना तो मेरी गाड़ी की कैप्टन सीट्स है मेरे गाड़ी में, तो कैप्टन सीट्स का जो एक सीट है ना वो थोड़ा सा ऐसे वाइब्रेट हो जाता है थोड़ा सा। तो मुझे लगता है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं और थोड़ा मुझे लगता है कि टाटा बेटर कर सकता है अपनी अगली वर्जन में। हालांकि मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, ऐसी कोई बहुत अनोइंग चीज़ तो नहीं है ये, पर मैं बोलूँगा 100% नहीं 98% फिट एंड फिनिश बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। पहले 7 साल पहले टाटा की गाड़ियों में मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि 70-80% फिनिशिंग था,
पर अब इन्होंने ये इम्प्रूव किया है ये नए वर्जन में। और किसी ने मुझसे ये भी पूछा कि क्या उन्हें क्रोम फिटिंग करना चाहिए एडवेंचर पर्सोना में, तो टाटा ने कुछ तो सोच के ये प्लान किया होगा, राइट? तो एडवेंचर पर्सोना और दूसरे वेरिएंट्स में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि दूसरे वेरिएंट में क्रोम फिनिशिंग है और एडवेंचर पर्सोना में जहाँ जहाँ क्रोम फिनिशिंग है वहाँ ब्लैक मैट फिनिश दिया गया है, ब्लैक या दूसरे मैट फिनिशिंग दी गई है। तो यू नो, अगर आप एडवेंचर पर्सोना में क्रोम अगर लगाएंगे तो यू नो, जो डिज़ाइनर ने सोचा था ये डिज़ाइन करते वक्त, तो फिर वो वाली कलर और वो वाला एटीट्यूड नहीं आएगा इस गाड़ी को। लेकिन अगेन, ये पर्सनल चॉइस है। अगर आप लोग, आपको अगर अच्छी लग रही है आपकी गाड़ी क्रोम फिटिंग के साथ, तो आप जा सकते हैं। बट मेरा पर्सनल एडवाइस ये है कि मुझे तो गाड़ी ऐसी पसंद है जैसी आई है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ क्रोम की फिटिंग करने की कुछ ज़रूरत है। मुझे थोड़ा सा ये डिफरेंट लगता है ये वाली जो इसकी फिनिशिंग है। ये तो बहुत कॉमन सवाल है, बहुत लोगों ने पूछा है कि 4x4 इस गाड़ी में नहीं है तो इससे ऑफ रोड में मुझे कुछ तकलीफ हुई कि नहीं। देखिए, मैं टेरेन ऑफ रोडिंग मैंने अभी तक की नहीं है इस गाड़ी के साथ, टेरेन में तो मैंने टेस्ट नहीं किया है। बाकी मैंने आपको मेरे कुछ वीडियोज़ में दिखाया है कि छोटा मोटा माइल्ड ऑफ रोड बोलूँगा या छोटा मोटा ऑफ रोड किया है इसमें, तो उसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम एज सच आई नहीं है। अगर आप बोलूँगा थोड़ा बहुत रफ सरफेस हो या थोड़ा बहुत वेट मड हो, तो ये गाड़ी आराम से कर लेगी। अगर आप स्पेशली कंपेयर करेंगे दूसरी इसी सेगमेंट की गाड़ियों के साथ, तो मुझे लगता है 4x2 में ये गाड़ी ऑफ रोड में बेटर परफॉर्म करेगी उनसे। अगर 4x4 की गाड़ियों से क्या ये बेटर परफॉर्म करेगी? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये 4x2 है, राइट? मुझे ये भी पूछा गया है कि हाउ के इस गाड़ी का सनरूफ में एक्सपीरियंस कैसा है, क्या कोई माइनर लीक्स है कि नहीं। देखिए, 3 महीने में बहुत बार ये गाड़ी बारिश में चली है, तो अभी तक तो कुछ ऐसा लीकेज वाला मुझे कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन लगा नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ मैं बोलूँगा, इसका जो सनरूफ है उसको मेंटेन करना थोड़ा सा एफर्ट लगेगा आपको, क्योंकि देखिए, इससे पहले मैं जो गाड़ी चलाता था फोर्ड इकोस्पोर्ट, उसमें कुछ भी सनरूफ नहीं था, तो यू नो, मैंने उस पर ज़्यादा मेंटेन करने की कभी कोशिश नहीं की, साफ़ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की, गाड़ी मेंटेन हो जाती थी। बट सनरूफ में कैसा है ना, आपको रेगुलरली ऊपर का जो ग्लास है ना उसको साफ़ करते रहना पड़ेगा, राइट? और ऊपर की कांच को अगर आपको साफ़ करना है ना, तो आपको ऊपर चढ़ के साफ़ करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा आपको एफर्ट लगेगा। अगर आप ये साफ़ नहीं करेंगे ना, तो फिर ना आपको स्पॉट्स दिखने लगेंगे जब आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, तो आपको कांच में थोड़ा सा स्पॉट्स दिखने लगेंगे। तो वो एक छोटी सी बात मैं बोलूँगा, सनरूफ वाली गाड़ी लेना तो चलो ठीक है, आप ले लोगे, लेकिन मेंटेनेंस में उसको आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये मेरा एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ सनरूफ के बारे में। बाकी लीकेज वीकेज का तो इस गाड़ी में तो मैंने कोई ऐसा प्रॉब्लम एज सच देखा नहीं है। फिर एक कमेंट मुझे ये भी आया कि ये गाड़ी में रेडियो टर्न ऑफ नहीं होता। हाँ, ये थोड़ा सा अजीब चीज़ है इस गाड़ी में, जहाँ तक मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, जो इसका जो रेडियो है वो बंद नहीं होता। बंद ही नहीं होता वो, उसको अगर आपको बंद करना है तो गाड़ी को ही आपको बंद करना पड़ेगा। गाड़ी बंद होने के बाद भी इनफैक्ट वो चालू रहती है। तो यूजुअली जब मैं गाड़ी को लॉक करके जाता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले वॉल्यूम उसका ज़ीरो कर देता हूँ रेडियो पे, फिर मैं लॉक करता हूँ, फिर गाड़ी लॉक हो जाती है। तो मुझे लगता है रेडियो का एक स्विच ऑफ वाला बटन देना चाहिए था। आई डोंट नो, ये इतनी ऐसी भूल कैसे हो गई टाटा से, तो वो एक बात है। एक और सवाल पूछा गया था कि इस गाड़ी का मुझे हाई बीम विजिबिलिटी कैसा है हाईवे पे। देखिए, मैंने रात को बहुत चलाया ये गाड़ी हाईवे पे, मुझे इनफैक्ट मैं कंटिन्यूसली मैंने हाईवे पे घंटों तक चलाया, तो मुझे इसकी जो हाई बीम विजिबिलिटी में तो कोई ऐसा प्रॉब्लम है सच लगा नहीं है। तो आई थिंक उस मामले में तो मुझे ये अच्छी लगी। दूसरा मुझसे ये पूछा गया है कि गाड़ी का एसी परफॉर्मेंस कैसा है सेकेंड रो में। तो देखिए, अगर मैं एसी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अगर कड़क धूप है ना, और अगर आपने सनरूफ का जो ये होता है शीट होता है, अगर आपने उसको ओपन रखा, सनरूफ बंद रखा बट आपने उसका जो शीट होता है उसको आपने ओपन रखा, तो एसी बहुत स्लोली कूल होगा, ओके? लेकिन अगर आप उसको बंद रखेंगे तो फिर इस गाड़ी का जो एसी परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है, सेकंड सीट में, सेकंड रो में भी काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि थर्ड रो में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पीछे भी थर्ड रो में एसी के वेंट्स दिए हुए हैं इस गाड़ी में, राइट?
तो वो भी बहुत अच्छा है। तो सनरूफ वाली गाड़ी है तो आप नॉन सनरूफ वाली गाड़ी के एसी के कूलिंग से कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। और अब ये एक क्वेश्चन जो मैं आंसर करने वाला हूँ ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। मुझे किसी ने पूछा कि अल्कज़ार और क्रिस्टा और सफारी के बीच में उनको क्या लेना चाहिए। देखिए मैं तो सफारी का ओनर हूँ तो थोड़ा सा बायस तो मैं रहूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा न्यूट्रल होकर आंसर करूँ ये क्वेश्चन। देखिए अगर आपको पीछे की स्टोरेज अगर आपकी कंसर्न है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि क्रिस्टा का स्टोरेज ज़्यादा है, तो देखिए मैं अगर आप स्टैट्स देखेंगे क्रिस्टा का, यस थोड़ा सा ज़्यादा है सफारी से पीछे थर्ड रो के पीछे जो बूट स्पेस, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखेंगे उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। अगर आपको हैवी ड्यूटी लगेज रखना है तो आपको तो क्रिस्टा में भी थर्ड रो को आपको नीचे करना ही पड़ेगा, लेकिन क्रिस्टा का एक एडवांटेज है लगेज में, राइट। क्रिस्टा का जो कैरियर है ऊपर, आप वहाँ पे कैरियर में आप क्रिस्टा में लगेज रख सकते हैं। टाटा सफारी में अभी तक टाटा ने इसका जो ऑफिशियल कैरियर अभी तक अवेलेबल नहीं किया मार्केट में, राइट। तो आज के डेट में आगे जाके आ सकता है, लेकिन आज के डेट में अगर आपको ऊपर लगेज रखना है तो क्रिस्टा ही आपके लिए ऑप्शन है। सफारी में ऊपर आप लगेज नहीं रख सकते आज के डेट पर, राइट। तो अगर लगेज आपके लिए बहुत बड़ी क्राइटेरिया है तो फिर मैं बोलूँगा कि आपको क्रिस्टा आप कंसिडर कर सकते हो। अल्कज़ार के बारे में मेरा थोड़ा सा हार्श ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि अल्कज़ार का जो डीजल वेरिएंट है उस पर उनको आई थिंक कितना 110-115 BHP शायद देती है, वो बहुत कम पावरफुल है यार वो डीजल वाली वेरिएंट। अब लेकिन अल्कज़ार की पेट्रोल थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल है, तो अल्कज़ार डीजल लेने में तो कोई मतलब नहीं है मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको सच्ची में दूसरी कोई ऑल्टरनेटिव देख रहे हो आप सफारी के लिए, तो डीजल अल्कज़ार आप अवॉइड कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन मुझे अगर आप ये तीन गाड़ियों में से एक चुनने के लिए कहेंगे, अगर मैं सफारी नहीं खरीदता, मैं तो सफारी खरीदता था क्योंकि मुझे इसकी जो लुक्स है वो थोड़ी सी यंग और एडवेंचरस लगती है। इनोवा मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन वाली गाड़ी लगती है, थोड़ी सी टैक्सी वाली गाड़ी लगती है मुझे। मैं कोई ऑफेंसिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा वो फैमिली ओरिएंटेड, थोड़ा सा मुझे मैच्योर गाड़ी लगती है। टाटा सफारी मुझे ये वाली जो डिज़ाइन है मुझे बहुत यंग लगती है, तो इसीलिए मैंने ये गाड़ी चुना, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपको सफारी नहीं ख़रीदनी है तो आप क्रिस्टा कंसिडर कर सकते हैं, वो मेरा सेकेंड फेवरेट है क्योंकि वहाँ पर आप तो जानते ही है मेंटेनेंस भी टोयोटा का काफ़ी अच्छा है। लेकिन अल्कज़ार मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। गाड़ी के कलर क्यों, कलर को लेके बहुत लोग कन्फ्यूज़ है कि लोगों को सफारी तो लेनी है बट एडवेंचर पर्सोना ले के बाकी दूसरे वेरिएंट्स ले, ब्लू वाला ले। आई थिंक ब्लू और ये मिस्ट, ट्रॉपिकल मिस्ट के बीच में बहुत लोग कन्फ्यूज़ है आप में से। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही स्टनिंग कलर्स हैं। इनफैक्ट मैं पहले ब्लू लेने वाला था, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही कलर्स अच्छे हैं। आपको आपके पर्सनैलिटी को देखना चाहिए, आपके पर्सनालिटी को क्या सूट करेगा। मुझे लगता है डार्क ब्लू कलर इस गाड़ी की जो है वो थोड़ा सा एलिगेंट, सोफिस्टिकेटेड, प्रीमियम और थोड़ा सोबर लुक देता है इस गाड़ी को, राइट। और एडवेंचर पर्सोना थोड़ा सा मुझे लगता है मस्ती वाली लुक देती है इस गाड़ी को, राइट। थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव, थोड़ा सा ज़्यादा पैशनेट फील देती है इस गाड़ी को ट्रॉपिकल मिस्ट कलर, राइट। तो अगर आप बहुत सोबर, थोड़े से सोबर हैं, आपको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, इंटेलेक्चुअल, प्रीमियम लुक चाहिए गाड़ी को, तो आप डार्क ब्लू कलर ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा मुझे लगता है एडवेंचरस टाइप के हैं, आपको थोड़ा सा आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी मस्ती वाली है, आप थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आपको चीज़ें डिफरेंट करने में इंटरेस्ट है। एट द सेम टाइम बाय द वे ये बहुत ज़्यादा शाउट नहीं होती, ये कलर बहुत सोबर कलर है ये भी, तो फिर आप ये कलर भी ले सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि कलर जो है ना वो थोड़ा सा ना पर्सनल चॉइस है, कोई और आपको नहीं बता सकता कि आपको कौन सी कलर अच्छी लगेगी, तो वो आपको ही एट द एंड ऑफ द डे डिसाइड करना पड़ेगा। गाड़ी की सस्पेंशन के बारे में भी मुझे कुछ लोगों ने पूछा। देखिए इस गाड़ी का जो सस्पेंशन है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं दिया है, ओके, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं दिया है। ये मोनोकॉक डिज़ाइन में बेस्ड है, मोनोकॉक बेस्ड कार है, तो ऑब्वियसली ये लैडर ऑन फ्रेम नहीं है, तो पुरानी सफारी जितनी सॉफ्ट सस्पेंशन नहीं है इसकी, लेकिन मैं बोलूँगा कि हार्ड भी नहीं है।
तो पॉट होल्स, माइनर पॉट होल्स वगैरह में आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा आएगी नहीं इस गाड़ी में। बहुत ही आपको स्मूथ एक्सपीरियंस लगेगा। लोटस का सस्पेंशन लगा हुआ है जो रेंज रोवर की गाड़ियों में लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है इनफैक्ट इस गाड़ी की सस्पेंशन। और बहुत लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि मेरी वीडियोज़ में इसका स्क्रीन क्यों फ्लिकर करता है। ओके, ये गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है, वो गाड़ी में जब आप बैठेंगे तो आपको इसका स्क्रीन फ्लिकर होते हुए नहीं दिखेगा। ये एक्चुअली कैमरा का फ्रेम रेट रिलेटेड चीज़ है। तो जब हम कैमरा में स्क्रीन को शूट करते हैं ना, तो जो डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले का जो फ्लिकरिंग है वो कैमरा कैप्चर कर लेता है, क्योंकि कैमरा का जो फ्रेम रेट उसको कैप्चर कर लेता है, इसके लिए वैसे दिखता है। रियलिटी में आपको कोई फ्लिकरिंग नहीं मिलेगी इस गाड़ी में। इंफोटेनमेंट के ऊपर भी कुछ लोगों ने वापस पूछा है। देखिए, मैंने आपको मेरे पहले वाले वीडियो में बताया था कि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा इंफोटेनमेंट का स्क्रीन इतना पसंद नहीं है, क्योंकि इनफैक्ट मुझे इसकी भी स्क्रीन बहुत डिस्ट्रैक्टिंग लगती है। जब मैं कंटिन्यूसली हाईवे पर चलाता हूँ, ये लेफ़्ट साइड पे इसकी स्क्रीन मुझे बहुत डिस्ट्रैक्टिंग लगती है, क्योंकि पहले मेरी जो गाड़ी थी इकोस्पोर्ट, उसमें कोई डिस्प्ले ही नहीं था, तो मेरी ध्यान सीधा रोड पे रहती थी। बट ये गाड़ी में वो इंफोटेनमेंट पे मेरा ध्यान जाता है चलाते वक्त। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता बहुत लोग को बड़ा स्क्रीन क्यों चाहिए, ये स्क्रीन ही मुझे डिस्ट्रैक्टिंग लगती है। तो इनफैक्ट कभी कभी मैं स्क्रीन बंद कर देता हूँ गाड़ी चलाते वक्त, क्योंकि मुझे फोकस करना होता है सीधा। अगेन, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप में से बहुत लोग को फ़र्क नहीं पड़ता होगा इस चीज़ से, लेकिन बट मैंने सोचा आप लोग को बता दूँ ये बात। और कुछ लोगों ने इसकी साउंड प्रूफिंग के बारे में भी पूछा है। भाई, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इस गाड़ी की जो साउंड प्रूफिंग है ना, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। अगर आप गाड़ी के अंदर हैं, आपको बाहर ट्रैफिक का आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देगा, बाहर का। बहुत ही अच्छा सॉलिड साउंड प्रूफिंग है इस गाड़ी का। और दोस्तों, मैंने टेलीग्राम ऐप पर एक ग्रुप बनाया है, और ये ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप में हम सफारी गाड़ी के बारे में डिस्कशंस कर सकते हैं, जो भी सफारी के ओनर्स हैं या प्रोस्पेक्टिव बायर्स है, और या फिर सफारी के आप फ़ैन ही क्यों ना हो, अगर आप इस गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम इस गाड़ी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ये मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वाला टेलीग्राम का ग्रुप है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है मैंने। इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर दे दूंगा मेरे अगले वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड, मैं और वीडियोज़ पोस्ट करते रहूँगा।